सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, द फ्रंट में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली श्रीवास्तव। आज और अभी में मेरे साथ देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। शाहजहांपुर लॉ स्टूडेंट शोषण के मामले में SIT ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। SIT की टीम आज पीड़िता को लेकर स्वामी के आश्रम पहुंची है। इससे पहले SIT की टीम ने करीब 7 घंटे तक स्वामी चिन्मयानंद से पूछताछ की। इस दौरान SIT ने स्वामी चिन्मयानंद से छात्रा के आरोपों और रंगदारी के मामले में कई सवाल पूछे। SIT ने स्वामी चिन्मयानंद के वकील, उनके कॉलेज के प्रिंसिपल और दूसरे स्टाफ से भी पूछताछ की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन रिटर्न्स स्कीम को फिर से लागू करने का ऐलान किया है। यह नियम 4 से 15 नवंबर के बीच लागू होगा। CM केजरीवाल ने कहा कि नवंबर के महीने में दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, इस वजह से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, इसलिए एक बार फिर ऑड इवन फॉर्मूले को लागू करने का फैसला किया गया है। बैंकों के विलय के खिलाफ बैंकिंग सेक्टर के ट्रेड यूनियन प्रदर्शन पर उतर आए हैं। 4 ट्रेड यूनियन संगठनों ने 25 सितंबर की आधी रात से 27 सितंबर की मध्य रात्रि तक हड़ताल बुलाई है। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से इस महीने लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने नवंबर के दूसरे हफ्ते से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मान लिया है कि जिहादियों को ट्रेनिंग पाकिस्तान ने ही दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कबूल किया है कि शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने ही जिहादियों को तैयार किया था, जिसकी फंडिंग अमेरिका ने की थी, लेकिन एक दशक बाद अमेरिका ने इन्हीं जिहादियों को आतंकवादी घोषित कर दिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 15 सितंबर को धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन धर्मशाला में खेले जाने वाले इस T20 मैच से पहले एक बुरी खबर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार धर्मशाला में मैच से 2 दिन पहले ही तेज बारिश शुरू होने का अनुमान है, जो तीसरे दिन भी जारी रहेगी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल ने भारत में 200.16 करोड़ कमा लिए हैं। इसी के साथ 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली ये अक्षय कुमार की पहली फिल्म बन गई है। इससे पहले सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड सलमान खान की मूवी एक था टाइगर के नाम था। सलमान कटरीना की फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 198.78 करोड़ था, जिसे मिशन मंगल ने 200 करोड़ कमाकर तोड़ दिया है। ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया के हर बड़े मुद्दे पर हमारी एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए देखते रहिए द फ्रंट। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।